गुड मॉर्निंग एवरीबडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिएशन हैज़ बीन मेड इफेक्टिव 10 अक्टूबर से यानी आज से ये नोटिगेशन प्रभावी हुआ है नोटिगेशन क्या कह रहा है आर के तहत एक नई एंट्री इंट्रोड्यूस की गई है दैट इज़ एंट्री फाइव ए बी द सेम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन नोटिगेशन नंबर 13 ओब्लिक 2017 सिटी रेट यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अब कौन सी सर्विसेज और ऐड हो गई हैं दैट इज व्हाट सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग क्योंकि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो पहले ही आरसीएम के तहत आ रही थी सर्विस सप्लायर या अनरजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपिएंट कौन है रजिस्टर्ड पर्सन है तो यदि आपने आप अनरजिस्टर्ड हो और आपने अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया किसको रेंट पे दे रखे रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे रखा है तो वहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन है टेकिंग प्रॉपर्टी ऑन रेंट विल बी रिक्वायर्ड पे जी अंडर आरसीएम आरसीएम के तहत कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है ही है तो अब जो रेंटिंग होगी किसी भी प्रॉपर्टी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग आप करते हो रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑलरेडी था अब क्या है अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी प्रॉपर्टी को अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी रेंट पे दे रहा है किसको दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे रहा है 10 अक्टूबर 2024 से द सेम विल बी कवर्ड अंडर ऑफ रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर आर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिएशन जारी हो गया है आठ अक्टूबर का नोटिएशन है नोटिफिकेशन नंबर नाइन ओब्लिक ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जिसमें आरसीएम के तहत अब सभी प्रॉपर्टीज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आ गई है जहां अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है रेंटिंग की एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को